India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। नीट यूजी के 5 उम्मीदवार नीट यूजी परीक्षा फिर से कराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने का विरोध करते हुए इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने के बजाय परीक्षा में मिली शिकायत यानी कि रैंक में वृद्धि और ओएमआर शीट में छेड़छाड़ को दूर करने के लिए सभी ओएमआर शीट का पुनः मूल्यांकन कराए जाने की बात याचिका में कही है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि एनटीए को परीक्षा रद्द करने के संबंधी कोई आदेश जारी न करने का आदेश दिया जाए। साथ ही नीट यूजी 2024 के लिए 8 अप्रैल को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक अलग से पंजीकृत 24,000 उम्मीदवारों की ओएमआर शीट की जांच करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने कथित पेपर लीक समय के हानि के बदले ग्रेस मार्क्स देने और परीक्षा के दौरान आयोजन के दौरान ही हुई अन्य विसंगतियों में न्याय का हस्तक्षेप की मांग भी की है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करना एक मनमाना फैसला होगा और इसी वजह से ऐसे योग्य उम्मीदवारों को गंभीर नुकसान होगा और जबकि केवल कुछ ही छात्रों को इसका लाभ होगा। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था जब वे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि ईडी द्वारा तत्काल याचिका दायर करने के अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने पर अंतरिम रोक लगा थी। ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक की पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को की थी। इसके बाद उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। बता दें कि 29 जून को सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाए जाने की मांग नहीं करने पर उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल को पहली बार ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है और ताकि कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया जा सके ईडी ने आरोप लगाया कि इन खामियों को दूर करने के लिए प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपने चुनावों के लिए किया था। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों मामले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण या जेडीए को अवकाश के बाद नियमित पीठ द्वारा उनके मामले पर विचार किए जाने तक अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत उनकी संपत्ति को ध्वस्त करने से रोककर निजी भूमि स्वामियों को संरक्षण प्रदान किया। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अवकाश पीठ न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में जेडीए को आदेश की तिथि से 3 महीने के भीतर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाई ओवर तक सार्वजनिक सड़क पर सभी अतिक्रमण की पहचान करने और उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू में अधिग्रहित भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। हालांकि न्यायालय द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के अनुसरण में सरकार ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया। अधिसूचना वापस लिए जाने के याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है और वकील ने तर्क दिया है कि न्यायालय के समक्ष इस चुनौती के लंबित रहने के दौरान अचानक जेडीए ने न्यायालय के निर्देशों की आड़ में याचिकाकर्ताओं के स्वामियों वाली निजी भूमि पर निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम बनाम बिमल कुमार शाह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। न्यायालय ने देखा कि ये उप अधिकार संपत्ति के अधिकार के वास्तविक इरादे को दर्शाता है और उनका गैर अनुपालन अधिकार का उल्लंघन है। इन अधिकारों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जेडीए द्वारा ये दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का कैसे निवारण किया गया। न्यायालय ने जेडीए को निजी भूमि पर स्थित संपत्तियों को ध्वस्त करने से रोककर याचिकाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान किया है, जब तक कि अवकाश के बाद मामले की सुनवाई नियमित पीठ द्वारा नहीं की जाती। दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी सांसद साकेत गोखले को संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में 50 लाख रुपए का हर्जाना देने को कहा गया है। और गोखले ने अपने ट्वीट में पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी गई संपत्ति का जिक्र किया था, जिन्होंने उनके पति केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की संपत्ति के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को भी टैग किया था और ईडी की जाँच की मांग की थी। जस्टिस अनूप जयराम भांबली ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया में मनमानी माफीनामा डालने को कहा है। उन्हें अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा डालने का भी निर्देश दिया गया है, जिसे 6 महीने तक रखना होगा। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पुरी का की ओर से पेश हुए ट्रायल ने कहा है कि गोखले के ट्वीट झूठे और अपमानजनक थे। पुरी का कहना है कि ट्वीट दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रेरित थे और डिजाइन किए गए झूठे अफवाहों से भरे हुए थे और तथ्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जुलाई 2021 में समन्वय पीठ ने मुकदमे के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर निर्णय लेते हुए पुरी के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद अदालत ने गोखले को 24 घंटे के भीतर संबंधित ट्वीट हटाने के निर्देश दिए। उन्हें पुरी के खिलाफ कोई और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से भी रोक दिया गया। और बता दें आपको कि अदालत ने नोट किया कि उक्त ट्वीट के अंदर गोखले ने न केवल कुछ आरोप लगाए बल्कि ये भी कहा कि उनके पास लेन देन से संबंधित सभी कागज और दस्तावेज है, जिससे प्रथम दृष्टया यह आभास होता है कि गलत बयान जानबूझकर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित जनहित याचिका की कार्रवाई ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है, क्योंकि वकील की लगातार दलीलों पर आपत्ति जताने के बाद बेंच को उठना पड़ा। और साथ ही आपको बता दें कि यह मामला तब और ज्यादा बढ़ गया जब याचिकाकर्ता के वकील ने भविष्य में बहस करने पर जोर दिया। ये तब हुआ जब जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम की खंडपीठ ने मामले पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील और याचिकाकर्ता को करीब 1.5 घंटे तक विस्तार से सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वह मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख रही है। हालांकि एडवोकेट पांडे ने आगे बहस करने पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके पास बहुत सारी दलीलें हैं। और इस पर जब खंडपीठ ने कहा कि उसने उन्हें और याचिकाकर्ता को अपनी दलीलें पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया, तो एडवोकेट पांडे ने कहा कि वह मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। और इस पर खंडपीठ ने जवाब देते हुए कहा कि मामलों की सुनवाई 20 दिनों तक होती है, जब दी गई दलीलें काफी योग्य होती है और वकील पांडे द्वारा दी गई दलीलें अदालत द्वारा सुनी और विचार की गई है। हालांकि न्यायालय की टिप्पणियों के जवाब में एडवोकेट पांडे ने खंडपीठ से व्यक्तिगत न होने का आग्रह किया। खंडपीठ ने टिप्पणी की, बस
आपने हमारी धैर्य की परीक्षा ले दी है, आप न्यायालय को हल्के में नहीं ले सकते हैं, हमने आपको पर्याप्त मौके दिए हैं और अब हम उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते हैं कि हम अन्य मामलों की सुनवाई करें। विचाराधीन जनहित के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव लड़ने और चुनाव को लेकर इस आधार पर रद्द करने के लिए दायर की गई, वह भारतीय ब्रिटिश नागरिक है, इस पर इस प्रकार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के संबंधित फर्जी मामला दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पर 5,000 का जुर्माना लगाया। जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने उन पर कुल 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जब पक्षकारों ने अपना मामला वापस लेने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान पक्षों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे मामला वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू में दावा किए जाने के बाद कि वे भाजपा कार्यकर्ता थे जिन्हें सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा उनके घरों से निकाल दिया गया था, उनके बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया और राज्य के वकील ने कहा कि जांच में पता चला है कि याचिकाकर्ताओं को उनके घरों से निकाला नहीं गया था बल्कि वे वहीं रह रहे थे। उन्होंने अपने पड़ोसी विवाद को चुनाव के बाद की हिंसा का रंग देने की कोशिश की थी। पक्षकारों को अपना मामला वापस लेने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस सिन्हा ने आगे निर्देश दिया है कि इस राशि का उपयोग कोर्ट परिसर में महिलाओं के शौचालय के जीर्णोद्धार के लिए किया जाएगा और ऐसे में विशेष रूप से कलकत्ता हाईकोर्ट चुनाव के बाद हिंसा पर विभिन्न जनहित याचिकाओं से घिरा हुआ है। उसने राज्य को निर्देश दिया है कि वे हिंसा में विस्थापित हुए सभी लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। ममता बनर्जी ने गुरुवार को सीवी आनंद बोस को लेकर टिप्पणी की थी। ममता ने कहा था कि उन महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वह राजभवन में हालिया घटनाओं के कारण वहां जाने से डरती है। इस बयान को लेकर आनंद बोस ने ममता पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। खबर है कि राज्यपाल ने इससे पहले दिन में बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गलत और बदनामी वाली धारणा न बनाए। राज्यपाल ने उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी करने के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि महिलाओं ने मुझसे शिकायत की है कि वे राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से डर रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया। राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने 2 मई को राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा था कि जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर गतिरोध के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कार्यालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उनके उस बयान की आलोचना की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से कथित तौर पर असुरक्षित महसूस करती हैं। राजभवन ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे गलत धारणा न बनाए। ২০০১ में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सजा सुनाई गई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा सुनाते हुए उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में पाटकर की सजा पर बहस में उम्र का हवाला देने वाली दलील खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वह मेधा पाटकर की उम्र को
देखते हुए उन्हें ज्यादा सजा नहीं दे रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 389 उपधारा 3 के तहत सजा को एक महीने के लिए निलंबित करने का भी आदेश दिया। हालांकि उनकी तरफ से जमानत अर्जी भी कोर्ट में दाखिल की गई। तत्कालीन केवीआईसी अध्यक्ष और वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने के खिलाफ मानहानि मामले में याचिका दायर की गई थी। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था। साल 2003 सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर सक्रिय थी। उसी वक्त वी के सक्सेना नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज में एक्टिव थे। उन्होंने उस वक्त मेधा पाटकर की आंदोलन का तीखा विरोध किया था। मानहानि का पहला मामला इसी से जुड़ा हुआ है। मेधा पाटकर ने अपने और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन को लेकर वी के सक्सेना के खिलाफ मानहानि केस किया था। वही सक्सेना ने अपमानजनक बयानबाजी करने के को लेकर मेधा पाटकर पर मानहानि के 2 केसेस दर्ज कराए थे। पराजित नहीं होता है, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारी दृष्टि से दलितों आदिवासियों गरीबों के लिए है, और इसलिए हम विकास के नाम पर विनाश विस्थापन विषमता नहीं चाहते हैं। वो हमारा कार्य है, हमने किसी को भी बदनाम करने की कोई अभिलाषा नहीं रखी। तो इस जो ये फैसला आया इसको जाहिर तौर पर आप चुनौती देंगे ऊपरी अदालत? कानूनी प्रक्रिया हमारे वकील सब आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे अधिवक्ता है जो प्रो बोनो है। जी, तो कोर्ट के इस फैसले से आप सहमत हैं असहमत हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो हम तो उसको चैलेंज करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष ईमानदार और पवित्र होना चाहिए। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। और ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं जिसमें से 55 केवल महिलाओं के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में 99 मानवाधिकार अदालतें हैं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश की न्यायपालिका को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और गोपनीयता भी बरकरार रखनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायतंत्र हमारे लिए पवित्र मंदिर चर्च मस्जिद या फिर गुरुद्वारे की तरह है। ममता बनर्जी के बयान पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों की तुलना भगवान से करने की परंपरा खतरनाक है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी आम लोगों के हित में काम करने की है। उन्होंने कहा कि हमें ऑनर या लॉर्डशिप कहकर संबोधित किया जाता है। जब लोग अदालतों को न्याय का मंदिर बताते हैं तो एक बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है कि हम खुद को उन मंदिरों में बैठे भगवान मानने लगते हैं। फ्रॉम द जुडिशियरी दे आर द एसेट ऑफ द कंट्री एंड द एसेट ऑफ द वर्ल्ड। Only my humble request will be to all of you. First, I want to apologize to mention this to all of you. It is not my intention to humiliate or manhandle to anyone. But my submission, my kind submission, that please see no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure, honest, secret, and let the people do the puja. Like Sanskrit, you know, they say sometimes puja, sometimes for all the caste, all the creed, all the community, all the people. We are addressed as honor, and we are addressed as lordships or ladyships. There is a very, very grave danger, and people say that, well, the court is a temple of justice. There is a grave danger that we perceive ourselves as the deities in those temples. Therefore, speaking for myself, though I have my own set of personal values which are deeply personal to me, I'm a little reticent when I'm told that this is a temple of justice. Because temple postulates that the judges are in the position of a deity. I would rather recast the role of the judge as a server of the people. And when you regard yourselves as people who are there to serve others,
then you bring in the notion of compassion, of empathy, of judging others but not being judgmental about us. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार. India Legal presents Courts Roundup.